बिना गेहूं के आटे, बिना मैदा से बहुत ही फूली फूली करारी कचौड़ी आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी मूंग की दाल की। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पर। फेस्टिव सीजन स्पेशल बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया था 2/3 कप धुली हुई मूंग की दाल, जिसे हमने पूरा रात भर पानी में भिगो के रखा था और हमने इसे 2 से 3 बार अगेन अच्छे से वॉश कर लिया है। उसका सारा पानी हमने निकाल दिया है और सारा पानी निकालने के बाद ले लेंगे सारी ही दाल को एक मिक्सी जार में। दाल को आप 2 से 3 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं, लेकिन अगर पूरी रात भर आप इसे भिगो के रखेंगे तो बहुत ईजिली और अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी और हमारी कचौड़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने सारी ही दाल को ले लिया है मिक्सी जार में और बिना पानी डाले हमें इसका एक स्मूथ फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। पानी का यूज़ नहीं करना है, नीड लगती है तो 2 से 3 बार इसे रोक रोक के चलाते हुए आप इसे ग्राइंड करिएगा तो स्मूथ पेस्ट बन के इसका तैयार हो जाएगा। तो एक फ़ाइन स्मूथ पेस्ट, बिल्कुल भी दरदरा नहीं है, हमने बना के तैयार कर लिया है। चलेंगे गैस की तरफ और गैस पर रखेंगे पैन। पैन में डालेंगे करीब 1 चम्मच भर के ऑयल। यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया है, आप घी या कोई भी वेजिटेबल ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तेल को हमने हल्का सा गर्म कर लेना है और ऐड कर देंगे पूरा 1 कप यहाँ पर पानी। तेल को हमें थोड़ा सा गर्म करना था, इसलिए हमने तेल पहले डाल दिया था। आप चाहें तो पहले पानी डाल के ऊपर से घी या ऑयल डाल सकते हैं। और बस ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच भर के यहाँ पे जीरा, 1/2 चम्मच यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स ऐड करे हैं और इसके साथ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा हींग, करीब 1/4 चम्मच करीब यहाँ पे हमने हींग डाला है। साथ में ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच करीब हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च भी चॉप करके डाल सकते हैं, हमने हरी मिर्च को यहाँ पर स्किप करा है। ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ही ऐड कर रहे हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और हल्की सी अजवाइन ली है, यहाँ पे हमने हाथ से क्रश करते हुए डाल दी है, और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। अच्छे से एक बार चलाते हुए मिक्स कर देंगे सभी इन्ग्रीडियंट्स को और पानी में हमने हल्का सा बॉयल आने देना है। और बस जैसे ही बॉयल आ जाएगा गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे कर देंगे और लो फ्लेम पर ही यहाँ पे ऐड कर रहे हैं पूरा 1/2 कप हम रवा यानी सूजी। यहाँ पे हमने 2/3 कप मूंग दाल ली थी और पूरा 1/2 कप यहाँ पे हमने लिया है सूजी। अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और साथ में ही स्लो फ्लेम पर ही यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हमारा दाल का पेस्ट जो हमने बना के तैयार करा था। सारा ही दाल का पेस्ट यहाँ पे हमने ऐड कर देना है, तुरंत ही ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिना गेहूं के आटे, बिना मैदा की बनाई गई ये कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, काफ़ी क्रिस्पी बनती हैं। किसी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है, 1 कप चाय और साथ में ये वाली कचौड़ी, आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे ही इंग्रेडिएंट्स को, मूंग दाल को, सूजी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इसे मिक्स करा है और जब तक मिक्स करा है जब तक ये अच्छे से डो फॉर्म में नहीं बंध गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी का टेक्सचर देख सकते हैं, बस इस लेवल पे हमने इसे उतार लेना है और इसे ठंडा होने देंगे। इतना ठंडा आराम से कर लेना है कि आप इसे ईजली हाथ से सेट कर सकें। यहाँ पे हमने करीब 10 से 15 मिनट इसे ठंडा होने दिया और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच हम ऑयल, आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। और ऑयल ऐड करते हुए हमने इसे अच्छे से सेट कर लेना है, जैसे कि हम हमारे आटा, हमारा डो लगाते हुए करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, हल्की सी मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छा परफेक्ट आटा आपका सेट होकर तैयार हो जाएगा। नीड लगती है, हाथ पे ज़्यादा चिपकता है तो आप 1 चम्मच तेल यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। जितने अच्छे से मसलते हुए इस आटे को आप सेट करेंगे उतनी ही परफेक्ट कचौड़ियाँ आपकी बनकर तैयार होंगी। तो पूरे 5 से 6 मिनट हमने अच्छे से इसे मसलते हुए सेट करा है, जब तक कि हाथ में चिपकना बंद नहीं हो गया। और इसे सेट करने के बाद अगेन हमने 1 चम्मच ऑयल इसमें डाला है ऊपर से और इसे भी मिक्स करते हुए हमने एक बार हमारे आटे को सेट कर लिया है। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा आटा कचौड़ी बनाने के लिए तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारी कचौड़ी बनाने के लिए हमने तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था गैस के ऊपर और बस थोड़ा थोड़ा सा डो लेते हुए, जैसे कि हम नॉर्मल आटे की कचौड़ी बनाते हुए लेते हैं, अच्छे से हाथ में रोल करते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे। और थोड़ा सा चकली बेलन के ऊपर हमने लगाना है यहाँ पे ऑयल, इस यानी हल्का सा ग्रीस कर लेंगे चकले को भी और बेलन को भी। और बस जैसे कि हम पूरी कचौड़ी को रोल करते हैं उसी तरह से हमने इसे रोल करना है, ग्लूटेन फ्री है,
क्योंकि इसमें हमने आटे या मैदे का यूज़ बिल्कुल नहीं करा, तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे इसकी साइड्स स्मूथ नहीं आएंगी जैसे कि नॉर्मल गेहूं के आटे की या मैदा के आटे की आती हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से भी इसे फ्राई कर सकते हैं, या आप चाहें तो कोई भी साइज़ की कटोरी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जितनी बड़ी छोटी बनाना चाहें उस साइज़ की कटोरी लेते हुए आप इसके साइड्स इस तरह से कट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की कचौड़ियाँ बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हमने तेल पहले से ही गरम कर लिया था और एक एक करके तेल में हमने इन्हें छोड़ देना है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखिएगा, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल मत रखिएगा। तेल ठंडे में नहीं डालनी है तो इनमें तेल भर जाएगा, फटना स्टार्ट कर देंगी। और बस हल्का हल्का सा ऑयल इस तरह से हमने ऊपर से इनके ऊपर स्प्रिंकल करना है और इन्हें अलट पलट करते हुए हल्का सा बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें दोनों ही साइड से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अमेजिंग सी कचौड़ियाँ आपकी बनकर हो जाएंगी तैयार। कटोरी से कट करके ना बनाना चाहें तो आप नॉर्मल भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल भी फ्राई करी हैं, कटोरी से कट करके भी फ्राई करी हैं और दोनों ही तरह की कचौड़ियाँ हमारी बनके तैयार हुई हैं, बहुत ही बढ़िया। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने हमारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं, देखने में ही कितनी टेम्पटिंग लग रही हैं, काफ़ी क्रिस्पी हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं और बहुत ही फुली फुली कचौड़ियाँ हमारी बनके तैयार हुई हैं। इन्हें आप किसी सब्जी के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं या बिना सब्जी अचार के खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली हैं। एक बार ट्राई करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।